धर्मशाला के तपोवन में 9 से 14 दिसंबर तक विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है, तो वहीं पक्ष और विपक्ष के सभी मंत्री सत्र के लिए पहुंच चुके हैं। इस बार विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में है और इसके संकेत नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक दिन पहले ही दे दिए। विपक्ष ने कहा कि गारंटी नहीं दे सकते कि सरकार के मुताबिक चलेंगे और ना ही इस बात का शपथ पत्र दे सकते कि हम सदन में खामोश बैठेंगे। एनवी न्यूज के साथ खास बातचीत में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। धर्मशाला में विधानसभा सत्र आज से शुरू हो गया है और आज पहले दिन शुरुआत में ही जो है यहाँ पर देखने को मिला नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की गाड़ी को जहाँ यहाँ पर रोक दिया गया। ये मेन गेट का दरवाज़ा आप देख सकते हैं जहाँ से उनकी गाड़ी को रोका गया। सर, आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था। कहा जाता है कि विपक्ष हमेशा हंगामा करता है, लेकिन सरकार की ओर से ही पहले आपको आने से ही रोक दिया गया। नहीं, यही बात तो हमने सरकार से उठाई है कि आप जो है अब हमें क्या विधानसभा के अंदर भी नहीं आने देंगे। हम जो है हमें कह रहे थे कि आप बैक डोर से विधानसभा जाओ। भाई, हम चोर दरवाजे से क्यों जाएं? हम जीते हुए विधायक हैं, हम जो है मुख्य द्वार से जाएंगे। अगर मुख्य द्वार से MLAs नहीं जाएंगे और मंत्री नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? तो बताया गया कि जी ये फैसला हो गया कि इस मुख्य द्वार से सिर्फ 2-3 लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, स्पीकर जाएंगे और बाकी लोग जो हैं इस गेट से नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि ये जो है मर्यादाहीन फैसला है। विधानसभा में चुन के आए हुए विधायक को जो है मुख्य द्वार से जाना है और हमने इसलिए वहाँ पे धरना दिया क्योंकि मैं 11 बजे यहाँ पे जो मुख्यमंत्री और स्पीकर के चैम्बर में सर्वदलीय बैठक थी उसको हिस्सा लेने के लिए मैं एडवांस में आया था। तो इतने हमने जब धरना दिया उसके चंद ही क्षणों में जो है मुख्यमंत्री आ गए और मुख्यमंत्री ने देखा कि गेट पे क्या स्थिति पैदा हुई है। तो जब उनको पता लगा कि जी लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं जाने देते तो उन्होंने कहा कि ये हमारा फैसला नहीं है और उन्होंने पता भी लगाने की कोशिश की कि ये किसने हुक्मनामा जारी किया। तो उसके बाद हमने स्पीकर साहब को भी फ़ोन लगाया था और स्पीकर साहब ने भी ये कहा कि हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं थे। अब हमें तो यही मालूम नहीं पड़ रहा कि इस सरकार में आदेश कौन दे रहा है, गेट से लेके जो है सरकार तक फैसले कौन लेता है, ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। तो किस तरह देखते हैं आज से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है तो क्या मानते हैं विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि 400 से अधिक सवाल जो हैं इस वक्त यहां पर आए हैं। अब जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री ने भी एक सवाल उठाया है, गुड़िया प्रकरण के जो आरोपी थे उन्हें वापस जो है पदवी जो है उन्हें दे दी गई, सरकार की ओर से नवाज दिया गया है उन्हें। देखिए, सरकार माफिया के नियंत्रण पर बनी थी लेकिन आज तो माफिया दंदन आ रहा है। सबसे बड़ी बात है गुड़िया का मसला था, जब गुड़िया को 2 साल में आप न्याय नहीं दे सके हैं और आपने वहाँ पे लगातार गुड़िया हेल्पलाइन, गुड़िया को जो है न्याय की बात पे आप दम भरते रहे, तो आज आप सरकार में आने के बाद आप इतने हद दर्जे के संवेदनहीन कैसे हो गए? आज उसके जो पेरेंट्स हैं गुड़िया के, वो जो है जगह जगह जाके जो है न्याय की बात कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए, अगर फॉरेंसिक लैब ने ये कहा है कि 1 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं और ये मसला उठा है तो इस केस को देखें कि किस ढंग से वो हल करना है। किस तरह मानते हैं सर, जिस तरह अभी रणनीति भी कल आपकी बन गई है तो क्या इन्वेस्टर मीट का जो मुद्दा है? इन्वेस्टर मीट तो देखो बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत गहरी साजिश हिमाचल की ज़मीनें, हिमाचल के संसाधन बेचने को लेकर रची गई है और इसमें जिस आप जो 93 लाख उसके करोड़ के जो है MOU करते हैं और आप जो है हिमाचल प्रदेश में टेंडर प्रक्रिया ही नहीं करते, क्या हिमाचल में टेंडर करने की प्रणाली समाप्त हो गई? क्या MOU होंगे हिमाचल प्रदेश में? सरकार फेवरेटिज्म करेगी कि किसको देना है प्रोजेक्ट, वो सरकार फैसला कर देगी? क्या कोई टेंडर नहीं होगा हिमाचल प्रदेश में? आज सरकार है कोई लाले की दुकान थोड़ी है, आपको फैसला करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ जो है आपने बिड से करनी है। इतने बड़ी आप ज़मीनें, सरकार की संपत्तियां, सरकार के होटल, फार्मेसियां और उसके बाद ज़मीनें, हाउसिंग प्रोजेक्ट, आप अगर हाउसिंग के लिए ज़मीनें देना चाहते हैं तो आप ग्लोबल टेंडर इनवाइट करो,
कि हम यहाँ पे इतने होटल बनाना चाहते हैं, इतने हम कॉलोनियाँ बनाना चाहते हैं, हम ग्लोबल टेंडर करो और उसमें लोग आएंगे। आप कैसे MOU करते जा रहे हैं चोर दरवाजे से, और ऐसे ऐसे आपने MOUs किए हैं जिन जो जो कि सरकारी कंपनियों से कर लिए, कोई जो पुराने करार थे उन्हीं को रिन्यू करके कर दिया और उन्हीं को गिनते जा रहे हैं। ऐसा जो आप एक आंकड़ा खड़ा करके जो एक प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं वो हकीकत नहीं है। आपके पास कितनी ज़मीन है, आपने कितनी ज़मीन के करार दिए हैं, आपने कितनी ज़मीनें जो हैं लोगों को देने का फैसला किया है, आपने कितने इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनाए हैं आपके पास है, आपने जो खर्चा किया, आप 16 करोड़ रुपए का टेंट वो जो है टेंट लगा देंगे, आप 6 करोड़ रुपया पब्लिसिटी को दे देंगे, आप 1835 कमरे जो है किराए पे ले लेंगे, आप इस ढंग से जो है लजीज भोजन और ये सारी चीज़ें के बंदोबस्त में जो है रेड कारपेट के लिए, और आपके 53% कमरे तो खाली रह गए जो जो आपने अलॉट किए थे। आप किस व्यवस्था से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार है माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात नहीं होनी चाहिए। किस तरह देखते हैं धारा 118 में लगातार इनके विधायक व नेता जो है बता रहे हैं कि धारा 118 को जो है उसमें संशोधन किया जा रहा है। देखो धारा 118 डॉक्टर परमार के सपनों का हिमाचल है, ये जिन्होंने ये हिमाचल का निर्माण किया और साथ में ये सुनिश्चित किया कि ज़मीनें कम हैं और ज़मीनें बचा के रखनी है। अब इन्होंने DC से राइट टू रिजेक्ट छीन लिया, अब DC रिजेक्ट ही नहीं कर सकता फाइल। फिर आपने जो है पंचायतों से जो है NOC का अधिकार छीन लिया, 3 साल तक आपका किसी को NOC किसी डिपार्टमेंट से नहीं लेने पड़ेंगे। ये कैसा फैसले हैं ये इनका जो है, अब विधानसभा आ रही है, सरकार को इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा और हम उठाएंगे मसले अंदर। तो ये थे नेता विपक्ष जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो है उसके लिए तैयारी जो है पूरी कर दी गई है, सदन में जो है मामले गरमाने वाले हैं, गुड़िया मामले के ऊपर भी जो है विपक्ष पूरी रणनीति लेकर आया है और खासकर इन्वेस्टर मीट जो है जिसपे करोड़ों रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट जो सरकार लाने की बात कर रही है और करोड़ों रुपये उसके लिए खर्च भी कर दिए गए हैं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार जो है जवाब की मांग की जा रही है जिसपे अभी तक सरकार द्वारा जवाब नहीं देगी। वहीं आज सुबह एक घटना देखने को मिली कि नेता विपक्ष जो है आ रहे थे उन्हें आने ही नहीं दिया, तो ये भी सवाल उठाएं कि आखिर सरकार क्या कर रही है और आदेश कहां से आ रहे हैं, कहीं अधिकारी तो नहीं सरकार को चला रहे हैं। इस तरह के सवाल जो है नेता विपक्ष लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन सचिन के साथ मृत्युंजय पुरी, ANV न्यूज़।